बजरंग जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री नासिर जुनैद के घर गए, वहां पर सहायता का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। यहां आएंगे वो, श्रीकांत के घर पे आएंगे, जो उनकी गर्भवती पत्नी का जो गर्भपात हो गया, वहां आएंगे क्या वो? और जो वंदना जी कह रही है सिर्फ इस मामले पर राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति का कोई बात नहीं है मनोज जी। सबसे मोटी बात यह है, जो भी दोषी है, जो भरतपुर कांड के अंदर जिन दो लोगों का अपहरण करके हरियाणा में लेके आना और उनको जिंदा जलाना, ये चिंताजनक बात है। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, जात पात की कोई बात नहीं। नहीं, क्यों तो फिर आपके विधायक क्यों कहते हैं? फिरोजपुर झिंका से कांग्रेसी विधायक है मामन खान, उन्होंने तो विधानसभा में कहा था कि गौरक्षकों को इसीलिए हथियार दिए गए हैं मुस्लिमों को मारने के लिए। किसने किया है इसको? कौन बोल रहा है ऐसे कि धार्मिक आधार कौन दे रहा है, धार्मिक रंग कौन दे रहा है? आपके विधायक मोहम्मद इलियास कह रहे हैं माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है हरियाणा में, ये मैं तो नहीं कह रही, विधानसभा में बोला है उन्होंने ये। मैं कहूँ विधानसभा, मुझे नहीं पता उसमें मामन खान ने क्या बोला, मगर जो मेरे व्यूज है मैं बोल रहा हूँ भाई। कोई ये पार्टी के व्यूज रख रहे हैं ना, मैं आपकी पार्टी के ये विधायक भी हैं, इनके ये व्यूज थे विधानसभा में, ये बता जा रहा। मैं अपने पूरे व्यूज रख रहा हूँ, मेरी पहली बात सुन लीजिए, उसके बाद मामन खान का भी आप इसे जवाब लेना। मैं ये कहना चाहता हूँ, दोस्ती दोस्ती है, किसी भी जाति किसी धर्म का हो उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा कानून को देनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। पांच दोषी की बात थी, सुनने में आया है एक दोषी रिंकू सैनू गिरफ्तार किया है, चार फरार किए गए हैं। मैं कहता हूं दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना, हम यही चाहते हैं। और यही बात है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसके अंदर हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर गोरक्षक का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें से एक आदमी को पकड़ा है, चार अभी बाकी बताए गए हैं। तो जो भी चार आज, हाँ एक बात और भी है, जो मुद्दा मैं सुन रहा था आपके चैनल पे कि निर्दोष आदमी को पकड़ रहे हैं, रेड मार रहे हैं, नाम बालिक को तंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। किसी निर्दोष को छेड़ा ना जाए, अगर बिना तसल्ली के किसी को उठाया ना जाए, बिना तसल्ली को किसी को पकड़ा ना जाए, ये जरूरी है। वो भी पंचायत भी यही कहती है, निर्दोष को क्यों पकड़ते हो, ये गोरक्षक है। हो सकता है गोरक्षक, गोरक्षक का मतलब क्या होता है, सारे हिंदू गोरक्षक है, इसमें क्या हुआ? हिंदू को धर्म के अंदर गो तो हमारी माता है, गोरक्षक तो कोई भी हो सकता है ना, 33,000 देवी देवता बसते हैं, सारे हिंदू गौ की पूजा करते, गौ माता की पूजा करते हैं, तो सारे हिंदू गौ माता को मानने वाले गोरक्षक। ये हिंदू धर्म का नाम ही गोरक्षक है, ये बात मान के चलिए। एक आदमी ठेका ठाए कि मैं ही गोरक्षक हूँ, मेरा बिना कोई गोरक्षक है ही नहीं, मैं ही गौओं की सेवा करता हूँ। चलूरे हरियाणा के अंदर हजारों गौशाला चल रही है, हर शक्ति बरादरी लोग गौओं की सेवा करते हैं, वो एक अपना धर्म है, अपनी ड्यूटी है, जिस तरह मंदिर में पूजा करते हैं, कोई हॉस्पिटल में सेवा करता है, कहीं कोई सेवा करता है। अच्छा, जो मैंने आपसे पूछा, श्रीकांत के घर आएंगे क्या? राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीकांत के घर आएंगे जी? श्रीकांत के घर आएंगे आरोपी श्रीकांत की पत्नी जिनका गर्भपात हो गया, उनके घर आएंगे क्या? मेरे नॉलेज में नहीं है बात जी मन्नू जी, उसके घर आएंगे, मेरे पास नॉलेज नहीं है। वैसे आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आना चाहिए, ये जरूरी आना चाहिए, मेरे पास इस बात की कोई नॉलेज नहीं है ऑफिशियली कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है।